हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, उनके करेक्टरिस्टिक और रेलिवेंस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। पढ़ते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग होता क्या है। तो ये एक पिविटल रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में और इंफॉर्मेशन में। इसके थ्रू हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और हम रिलाय करते हैं एक्यूरेट, टाइमली और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब एट्रीब्यूट या करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इंफॉर्मेशन की। तो पहला है एक्यूरेसी। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर होनी चाहिए। रेलिवेंस देख लेते हैं। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो होती है ये इंश्योर करती है कि डिसीजन जो है रिलायबल डेटा पे लिए गए हैं और ये रिस्क को भी कम कर देती है, मिस्टेक को कम कर देती है और मिस जजमेंट को भी कम कर देती है। नेक्स्ट आता है टाइमलीनेस। तो फर्स्ट आता है इसमें कि इंफॉर्मेशन जो होता है वो तब अवेलेबल कराई जाए जब बिल्कुल उसकी ज़रूरत होती है। अब इसका रेलिवेंस देख लेते हैं। तो टाइमली इंफॉर्मेशन जो होता है ये अलाउ करता है मैनेजर को कि आप डिसीजन ले सकें जो कि करंट कंडीशन के बारे में होता है और अवॉइड कर सकें डिले को, या फिर जो इम्पैक्ट डिले को जो कि इम्पैक्ट करता है आउटकम को। नेक्स्ट आता है रेलिवेंस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल होती है जो कि डिसीजन एट हैंड पे होता है। इसका रेलिवेंस देख लेते हैं। तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है ये डायरेक्टली एड्रेस करती है इशू को और क्वेश्चन को जिसकी ज़रूरत होती है सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की, या फिर ये सपोर्ट करती है, और ये सपोर्ट करती है ज़्यादा फोकस्ड और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को। नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और इसमें सारी नेसेसरी डिटेल इंक्लूडेड होनी चाहिए। इसका रेलिवेंस देख लेते हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंश्योर करती है कि डिसीजन मेकर जो है वो पूरी तरीके से समझ पाए सिचुएशन को और अवॉइड कर पाए पार्शल या फिर इनकम्प्लीट एनालिसिस को। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो कोहरेंट होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए सभी टाइम पीरियड पे और अक्रॉस डिफरेंट सोर्सेज पे। अब इसका रेलिवेंस देख लेते हैं। तो कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन हेल्प करती है कि रिलायबल और सपोर्ट करती है एक्यूरेट कंपैरिजन और असेसमेंट को। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करनी चाहिए क्लियरली और अंडरस्टैंडेबल तरीके से। नेक्स्ट इसकी रेलेवेंस देख लेते हैं। तो इसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन जो है ये हेल्प करती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो और इंश्योर करती है डिसीजन मेकर इंटरप्रेट कर पाए डेटा को करेक्टली। नेक्स्ट आता है असेसिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इजी टू एक्सेस होनी चाहिए और आराम से रिट्रीव कर लेने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रेलेवेंस। तो इसमें एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे जब वो एक्सेसिबल हो जाती है तो ये अलाउ करती है डिसीजन मेकर को कि वो क्विकली ऑब्टेन कर पाए डेटा जब उन्हें ज़रूरत होती है बिना कोई अननेसेसरी डिले के। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कॉस्ट जो होती है ऑब्टेन करने की और प्रोसेस करने की इंफॉर्मेशन को वो जस्टिफाइड होनी चाहिए उसकी वैल्यू के अनुसार। नेक्स्ट आता है रेलिवेंस। तो इसमें इंश्योर करना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस को जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए एफिशिएंटली और ये अवॉइड करता है कि आप अननेसेसरी डेटा कलेक्शन ना करें। नेक्स्ट आता है रेलिवेंस क्या रहता है इंफॉर्मेशन का डिसीजन मेकिंग में। तो फर्स्ट आता है इन्फॉर्म डिसीजन। इसमें डेटा ड्रिवन आता है फर्स्ट। इसमें एक्यूरेट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अलाउ करती है डिसीजन मेकर को कि वो अपनी चॉइस के आधार पे डेटा डेटा को इंस्टीट्यूट करें और गैस वर्क ना करें। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। तो इसको इसमें एनेबल करता है हमें इन्फॉर्म डिसीजन इनेबल करता है एनालिसिस कर
अल्टरनेटिव का एनालिसिस और कॉन्सिक्वेंसेस को एनालिसिस करते हैं, जो कि एक बेटर डिसीजन आउटकम को हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो फर्स्ट आता है रिस्क असेसमेंट, इसमें हम इनसाइट प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल रिस्क के बारे में और अनसर्टेनिटी के बारे में। ये मैनेजर को अलाउ करता है कि वो डेवलप कर सकें स्ट्रेटजी और मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें रिस्क को और रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग। तो ये मदद करता है हमें फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने में और आउटकम को प्रिडिक्ट करने में। इससे जो एडवर्स सरप्राइजेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो फर्स्ट आता है अलाइनमेंट, इसमें हम इंश्योर करते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है ये करंट मार्केट कंडीशन के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड होने चाहिए और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग। तो ये सपोर्ट करता है कि आप रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल को सेट करें, जो कि बेस्ड होता है एक्यूरेट असेसमेंट के ऊपर और बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसमें आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन फर्स्ट आता है, इसमें हेल्प करते हैं हम इफेक्टिव एलोकेशन की रिसोर्सेज को और आइडेंटिफाई करते हैं एरिया जो कि जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और प्रायोरिटी जिनकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो ये हमें इनसाइट देता है कि आपकी प्रोसेस क्या, आपकी परफॉर्मेंस की प्रोसेस क्या है, और ये एरियाज बताता है इम्प्रूवमेंट के लिए जो कि एनहेंस करता है एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो ये अलाउ करता है ट्रैकिंग को परफॉर्मेंस की, और एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के थ्रू ये हमें केपीआई देता है, की पॉइंट इंडिकेटर, और ये फैसिलिटेट करता है कि हम इवेल्युएशन कर सकें कि प्रोग्रेस कितनी है गोल्स के टॉवर्ड। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट। तो ये इनेबल करता है टाइमली एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज को और ऑपरेशंस को, ताकि हमारा जो कि परफॉर्मेंस डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें फर्स्ट आता है इश्यू आइडेंटिफिकेशन, ये हेल्प करता है हमें कि हम समझ सकें प्रॉब्लम्स को, और ये हमें प्रोवाइड करता है रेलिवेंट डेटा और कंटेक्स्ट। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन डेवलपमेंट। तो ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट को, जो कि इफेक्टिव सॉल्यूशन होते हैं, और इसमें हम एनालाइज करते हैं बहुत सारे डेटा पॉइंट और अल्टरनेटिव्स को। तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप आता है डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। तो ये हमें डिटेल प्रोवाइड करती है पास्ट इवेंट और एक्टिविटीज के बारे में। इसका एग्जांपल है सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा। अब इसका यूज देख लेते हैं। तो ये यूजफुल होती है पास्ट परफॉर्मेंस को समझने के लिए और ट्रेंड को समझने के लिए। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। तो ये इसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं कॉज को, पास्ट इवेंट का और परफॉर्मेंस का। इसका एग्जांपल है रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट और परफॉर्मेंस रिव्यू। नेक्स्ट आता है इसके यूज देख लेते हैं। तो ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या रीजन थे सर्टेन आउटकम के और परफॉर्मेंस इशू के। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के इवेंट को और ट्रेंड को, जो कि बेस्ड होते हैं हिस्टोरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल मॉडल के ऊपर। नेक्स्ट आता है एग्जांपल। तो फर्स्ट है इसमें सेल्स फोरकास्ट, मार्केट ट्रेंड प्रेडिक्शंस और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। इसके यूज हैं कि ये हमें मदद करती है प्लानिंग करने में, एंटिसिपेट करने में फ्यूचर की कंडीशन को और आउटकम को। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन, प्रेस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। तो ये हमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है एक्शन के ऊपर, और ये बेस्ड होती है डेटा एनालिसिस पे। इसका एग्जांपल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आउटपुट, ऑप्टिमाइजिंग मॉडल्स, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस। यूज देख लेते हैं। तो ये हमें हेल्प करती है कि हम डिटरमाइन कर सकें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक करें।
नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, तो ये डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होती है और प्रोसेस से रिलेटेड होती है, जैसे कि इन्वेंटरी लेवल, प्रोडक्शन शेड्यूल और एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस डेटा, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डेटा। इसके यूज़ देख लेते हैं, तो ये डेली ऑपरेशनल डिसीजन के लिए यूज़ करी जाती है और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए ये यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट आती है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, तो इसमें फोकस किया जाता है लॉन्ग टर्म गोल पे और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज पे। नेक्स्ट एग्जांपल आता है, तो इस एग्जांपल है मार्केट एनालिसिस, कंपेटिटिव इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिपोर्ट। यूज़ देख लेते हैं, तो ये असिस्ट करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। नेक्स्ट आते हैं टेक्टिकल इंफॉर्मेशन, तो ये सपोर्ट करती है मिड टर्म डिसीजन को और एक्शन को ताकि हम अचीव कर पाए अपने स्ट्रेटेजिक गोल। इसका एग्जांपल आता है बजट एलोकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट और डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस मैट्रिक। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, तो ये हेल्प करती है हमें मैनेज करने में और एग्जीक्यूट करने में इंटरमीडिएट टर्म प्लान और ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट आता है कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन, तो ये हमें इंसाइट प्रोवाइड कराता है कंपेटिटर्स के लिए और मार्केट कंडीशंस के लिए। इसका एग्जांपल है कंपेटिटर एनालिसिस रिपोर्ट, मार्केट शेयर डेटा और बेंचमार्किंग स्टडीज। इसका यूज़ करते हैं हम इन्फॉर्म करने के लिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज के लिए। अब समरी देख लेते हैं, तो इन्फॉर्मेशन एक क्रूशल पार्ट होती है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके एट्रीब्यूट्स थे एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, रेलिवेंस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, एक्सेसिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। हम इंश्योर और ये इंश्योर करता है कि डिसीजन जो है वो रिलायबल हो और कॉन्स्टेंट डेटा के ऊपर, रिलायबल डेटा के ऊपर बेस्ड हो। और इसमें वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन आती हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल और कॉम्पिटिटिव। ये सपोर्ट करती है डिफरेंट एस्पेक्ट को डिसीजन मेकिंग के और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के। हम इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट टाइप की इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एनहेंस करता है और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को और अचीव करता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को। थैंक यू।